वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि आज हम जा रहे हैं मेरी न्यू बाइक खरीदने के लिए। तो चलिए, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नई बाइक लेने के लिए घर वाले सभी एक्साइटेड थे, इसलिए सभी का आने का प्लान हुआ। लेकिन जब हम हमारी कार में बैठे तो हमारे साथ में कुछ ऐसा सीन हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जीएन एंटरप्राइजेस। और स्पॉन्सर है तो पैसा तो जरूर मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। हम हमारे सफर का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें सामने फ्रंट पर एक बस नजर आती है, जिसके बाद मुझे ये खबर फिर से याद आती है कि क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में। सफर के मजे लेते हुए और आगे बढ़ते हुए फाइक भाई को गाने सुनने का मन हुआ, तभी हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ कि हमारा स्टीरियो खराब हो गया। तो फाइक भाई भी लाइक गाने सुनने और तभी हमें सामने नजर आती है। तो फाइनली 1.25 घंटे के बाद हम जलगांव अजंता चौफुली पहुंच जाते हैं, जिसके करीब ही हमारा शोरूम है। अजंता चौफुली क्रॉस करते ही हमें सबसे पहले सामने हीरो का शोरूम नजर आता है, फिर आगे बढ़ते हुए हमें आदित्य होंडा भी नजर आता है। फिर जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको मुख्तलिफ किस्म के शोरूम नजर आएंगे, लेकिन फिर हमें सबसे बेहतरीन केटीएम का शोरूम आता है। मैंने एक बार सोचा था कि केटीएम ले लो, लेकिन फिर मुझे ये मीम याद आता है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। सो फाइनली हमारा इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच चुके हैं यामा शोरूम के पास। तो इसके तक पहुंचने के लिए हमें घूम के आना पड़ेगा और अब हम इसके अंदर इंटर करेंगे। तो आपको ये जानने के लिए कि हम कौन सी बाइक लेने वाले हैं, इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आगे बने रहना होगा। और ये हम शोरूम में स्वैग से इंटर करते हैं, जिसके बाद शोरूम वाले भी हमारा स्वागत भी कुछ इस तरह का स्वैग से करेंगे, सबका स्वागत। शोरूम के फ्रंट डिस्प्ले पर ही हमें यामा का टॉप मॉडल R15 150cc नजर आती है, फिर हमें फैसिनो नजर आती है और बहुत सारी स्कूटीज है। फिर उसी के बाद हमें नजर आती है यामा की FZ वर्जन 4 150cc। डिस्प्ले पे ये यामा की ब्रांडिंग के साथ हमें एक जैकेट नजर आता है और बहुत से हेलमेट्स है। शोरूम के बैक सेक्शन में हमें नजर आती है MT15 155cc, जो कि ये भी यामा का बहुत फेमस और टॉप मॉडल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पेपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली हमारी गाड़ी बुक हो चुकी है और हम यहाँ पर थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ रहा है। और आपको ये पता तभी चलेगा कि जब आप वीडियो पूरी देखेंगे कि हमने कौन सी बाइक फाइनल की है। पेपर वर्क के बाद हमें बाइक के साथ एक नया हेलमेट फ्री मिला है, फ्री मिला है तो बहुत खुश है। और देखते हैं हेलमेट कैसा है। ये बेसिक सा ब्लैक कलर या स्टोन ग्रे कलर का एक हेलमेट है, जिसके अंदर ऊपर भी कुछ अच्छी थी। और फाइनली बहुत इंतजार के बाद हमने जो गाड़ी ली उसका फेस रिवील होने जा रहा है, और ये गाड़ी है FZ10 155cc विद ब्लैक कलर एडिशन। और अब हमारी ये बाइक चलने के लिए तैयार है। फाइनली इस पर मैं पहली बार विराजमान हो चुका हूँ और साथ ही फराज भाई भी विराजमान हो चुके हैं। अभी गाड़ी हमारी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलिए चलते। हम बाइक को आगे चला रहे थे तभी हम रुक जाते हैं, जिसके बाद फराज भाई हमें बाइक के बारे में कुछ ज्ञान देते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और इसी के साथ हमारा व्लॉग खत्म होता है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।